हेलो क्लास 10। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो लाइट होता है वो दो थ्योरीज पे काम करता है। एक थ्योरी होता है वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। देखा ये गया कि कुछ फेनोमेना जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे काम करता है, जैसे डिफ्रैक्शन, इन्वर्जन और पोलराइजेशन, जिसके बारे में मैंने बेसिक आपको बता दिया है। बाकी उसके बारे में आगे के क्लास में जानना है। दूसरी बात होती है पार्टिकल थ्योरी की। इसमें ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है आपका लाइट, ठीक है, और इस पर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। इसमें स्पेशली रिफ्लेक्शन के बारे में और कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में भी आपको क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक डिफिनीशन को जानना होगा। वो कौन कौन सा डिफिनीशन है उस पर बात करते हैं। तो पहला डिफिनीशन है आपका रे। रे क्या होता है? तो रे का हिंदी मीनिंग होता है किरण। ये किरण वाला किरण नहीं, यानी वो जो शाहरुख खान की मूवी थी उसमें उन्होंने जो किरण बोला था वो वाला किरण नहीं, ये दूसरा किरण है। तो ये होता क्या है, किरण को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? तो किरण को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, द पाथ ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो रास्ता है कहीं ना कहीं से तो आता होगा और आ रहा है, तो कोई ना कोई रास्ता फॉलो करता होगा, कोई वेव फॉलो करता होगा या पाथ फॉलो करता होगा। तो द पाथ ऑफ लाइट, लाइट 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 विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, इज कॉल्ड रे। इसे ही कहा जाता है रे, ठीक है। यानी लाइट का वे किसके साथ, तो डायरेक्शन के साथ जब हम मतलब उसको रीड आउट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रे कहलाता है। अगर आप फिगर देखना चाहेंगे, क्योंकि फिगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाता है, तो मान लीजिए ये एक रे इधर से आ रहा है और ऐसे एक एरो का निशान दे दिया गया, तो यही समझिए कि आपका रे है। मैथमेटिकल टर्म में भी आपने देखा है कि एक एंड पॉइंट इसका होता है, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म में भी हमने पढ़ा है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है। तो देखिए एक एंड पॉइंट है। अब इसमें भी जब रे आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका सोर्स होगा, और जहां उसका सोर्स होगा, मान लीजिए ये सनलाइट, तो ये सन से निकल रहा है रे, ठीक है। तो ये तो इसका एंड पॉइंट हो गया ना। अब भले ही ये इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो रे क्लियर हो गया आप लोगों का। अब रे के बाद आपको इनके बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानना होगा, नहीं तो गुस्सा भी कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रकाश पुंज, होता है बीम, या इसको किरण पुंज भी कहा जाता है। पुंज का मतलब होता है समूह, है ना, कलेक्शन। तो यहां पर हम बीम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बीम को हम डिफाइन कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रेज, द कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। इसे ही बीम ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ रेज को। रेज माने क्या, ये, ठीक है। तो जब बहुत सारे रेज जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे बीम कहा जाता है, ठीक है। अब जो बीम होगा वो सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा तभी जाकर के इमेज क्रिएट करेगा। मेनली हम यहाँ पर इमेज क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इमेज फॉर्म कब होगा, जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब उस पर्टिकुलर ऑर्डर के आधार पर बीम को तीन भागों में बांटा गया है। यानी बीम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऐसे लिख लीजिए, और बीम का तीन प्रकार आपको जानना है। तो एक प्रकार है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा है आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अगर आपको कन्वर्जेंट याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम जस्ट उल्टा होता है, कन्वर्जेंट का अपोजिट डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होगा,
LIGHT। और एक और आपको पढ़ना है, वो है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको आगे कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये तीन प्रकार होते हैं बीम के, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और तीसरा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक। अब बारी बारी से इन तीनों को पढ़ते हैं, उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा तो मैं मिटा देता हूं। तो पहला जो प्रकार था वो था आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट नाम में ही छुपा हुआ है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग जगह से रेड जाकर के एक जगह पे मिलते हैं, तो उसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसका डिफिनेशन, व्हेन टू और मोर रेज, यानी जब दो या दो से अधिक रेज, ठीक है, मीट एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर मिलते हैं, आफ्टर कन्वर्जन, यानी एक बिंदु पर क्या करना, मिलना, ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन इज नोन एज, उसे ही कहा जाता है कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके बाद अब इसको पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया तरीके से आएगा क्लियर। तो देखिए इसका फिगर जब आप देखिएगा तो इसका फिगर इस तरीके से होगा, यहां से एक रेज गया, यहां से एक रेज गया और एक यहां से ऐसे गया और फिर यहां से एक ऐसे गया। तो इसका जो डायरेक्शन है वो देखो इधर की तरफ है और ये रेज हैं और ये एक पॉइंट, यानी कोई भी एक पॉइंट है, मैंने पी ले लिया है, पी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं कन्वर्जन के बाद, है ना, अलग अलग जगहों से सिकुड़ने के बाद एक जगह पर मिलते हैं। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे रेज होते हैं और एक बिंदु पर मिलते हैं, इससे इसी से इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन दो या दो बिंदुएं जब आपस में जाकर के मिलती हैं, ठीक है ना, एक जगह पर, तभी जाकर के इमेज फॉर्मेशन होता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकेंड नंबर की, जो था आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो जिनको ऊपर वाला समझ में आ गया है वो इसको अभी खुद से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर रेज, देखिए सेम लिखा रहा है आपका, मीट एट ए पॉइंट, आफ्टर डाइवर्जन, उसमें कन्वर्जन था, इसमें डाइवर्जन, आफ्टर डाइवर्जन इज नोन एज, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, उसका अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग सोर्सेस से आ रही थी और एक बिंदु पर जाकर के मिल रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, आपका एक सोर्स से निकल करके अलग अलग जगहों पर जाकर के विस्तृत हो जा रही है, फैल जा रही है, है ना। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। अब इसको फिगर के द्वारा समझते हैं, यहां से रेज ऐसे बाहर निकल रही है एक सोर्स ऑफ लाइट से इस तरीके से, यहां पर डायरेक्शन इनका इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर एक पॉइंट, यहां पर भी इसको पी ले लिया जाए, है ना।
तो पी एक पॉइंट है जहां से रेज जो है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, मतलब फैल रही हैं, और यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं से एक बिंदु पर जाकर के क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो जब एक जगह पर जाकर के मीट करेंगे तो उसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, और एक बिंदु से अलग अलग जगहों पर जब फैल जाएंगी तो उसे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा, अब फटाफट लिख लीजिए और पॉज कर लीजिएगा वीडियो तो आसानी से लिखा जाएगा। और लिखने के वक्त आप अपना म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, लगाइए कान में ईयरफोन और बिना किसी कैरिमिनेटी के बारे में मत सोचिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर थर्ड, दैट मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट के। नाम सही पता चल रहा है किस क्या बोलना चाहता है ये, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, ए टाइप ऑफ बीम इन विच, जिसमें ऑल यानी सभी रेज जो किरणें हैं आर पैरेलल, सभी जो किरणें हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो जिसमें हर एक रेज पैरेलल होगा उसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। अब इसका थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, ये सब पैरेलल है। पैरेलल किसे कहा जाता है पता ही होगा, टू और मोर रेज आर सेड टू बी पैरेलल रेज या लाइन, जो कुछ भी बोलिए, इफ दे नेवर मीट, है ना, वो कभी जब ना मिलें आगे बढ़ाने पर। लेकिन ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम यहां से एक रेज निकाल रहे और ऐसे फैला दे रहे और फिर यहां से एक निकाल रहे ऐसे, तो ये आगे की तरफ तो कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन इस साइड में आके जो है वो मीट कर जाता है, ठीक है। तो फिर हम आगे बोलते हैं कि इफ वी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली एंड दे नेवर मीट, और डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ये जब बोल देंगे तो पीछे की तरफ भी बढ़ाएंगे तो ये मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, नहीं तो पीछे जाकर के मीट कर जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये जो है ऐसा रेज, ऐसा बीम था जिसमें सभी रेज जो थे वो एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे। तो इतना आपके दिमाग में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और बेसिक डिफिनीशन की, और वो है क्या। तो बेसिक डिफिनीशन में अब हम पढ़ने वाले बहुत ही इजी, और वो क्या है, एक होता है आपका सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये होता क्या है, देखिए संसार में अगर हम वस्तुओं को देख रहे हैं तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं, पहला लाइट, दूसरा आई, और तीसरा आपका वो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो, ठीक है। तो लाइट अगर जरूरी है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, और उसी सोर्स की बात हो रही है। यानी जो सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, ये होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट और सोर्स ऑफ ए लाइट, यानी ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश निकालता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि मून तो निकालता नहीं है सोर्स ऑफ लाइट, तो मैंने बोल दिया सोर्स ऑफ लाइट, दैट मींस अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी आ रहा है तो वो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो होता है SLO, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया है नेचुरल
और एक को कहा गया है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नेचुरल किसे कहेंगे जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल कौन कहेंगे जो मैनमेड होता है ना, वैसा सोर्स ऑफ लाइट। तो सिर्फ एग्जांपल हम इसका लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका सन। सन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। किसको कहा जाता है? सन को। सन के साथ साथ कौन आएगा? स्टार, और पता ही होगा सन इज आल्सो स्टार, स्टार भी। और उसके साथ साथ एक और नाम जो आपको याद होना चाहिए, फायरफ्लाई। इसको हम लोग हिंदी में जुगनू बोलते हैं, और हमारे इलाके में जो मतलब लोकल एरिया है वहां पे इसको भगजुगनी बोलते हैं, ठीक है, जिसको सुनकर के आपको हंसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपने देखा हुआ होगा, और ये हर एक में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी साथ में निकलता है। अब जितनी बड़ी मात्रा में केमिकल कॉम्बिनेशन होगा उतनी बड़ी मात्रा में लाइट निकलेगा, और लाइट और हीट दोनों तो एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये है कुछ कुछ मात्रा में। तो ये हो जाएगा आपका फायरफ्लाई, इसको ग्लो वर्म के नाम से भी जाना जाता है, स्टार हो गया, सन हो गया। आपको सोर्स ऑफ लाइट जब पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि सन जो है वो इतनी मात्रा में एनर्जी कहाँ से लाता है, कौन सा रिएक्शन होता है सन पे, ये सारा चीज़ आपको सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ना है जो आगे आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा? बड़ा ही ईजी है, जिसकी सहायता से आप पढ़ रहे हो, बल्ब हो जाएगा, और बहुत सारे हैं ऐसे। नॉर्मली दीपक को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं ऐसे लिख देता हूँ दीपक, ये नाम वाला दीपक को जाकर के नहीं बोलना है कि तुम सोर्स ऑफ लाइट हो थोड़ा देना, तो फिर देने लगेगा दूसरा कुछ। तो बल्ब हो जाएगा, एक दीपक मैंने ऐसे ही नॉर्मली दे दिया है। फिर उसके बाद कैंडल हो जाएगा, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल से ज्यादा जरूरी जो है वो ये है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि आर्टिफिशियल जो होता है वो जब नेचुरल आपके पास उपलब्ध नहीं रहता है तो इसका हम सहायता लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर नेचुरल ना रहेगा अर्थ पे, नेचुरल लाइट का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए सिर्फ आप आर्टिफिशियल लाइट से काम नहीं चला सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस के बाद इसके छोटे भाई, जिनका नाम है नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहा जाएगा? अगर ये अगर इमिट कर रहे हैं लाइट को, तो ये इमिट करेंगे नहीं लाइट को, ये क्या करेंगे? दिखेंगे, शो होंगे लाइट की उपस्थिति में, है ना। तो हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट विच सीम्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, या हम कह सकते हैं और विच डू नॉट इमिट दियर लाइट, या जो प्रकाश को बाहर नहीं निकालते, ठीक है। ऐसा वस्तु जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखते हैं, हम आप फैन हो गया, बुक हो गया, है ना, बैग हो गया, हर एक चीज जो आपके आसपास लगभग लगभग दिख रही होगी, है ना, वो आपका नॉन ल्यूमिनियस में आ जाता है, जो खुद से लाइट एग्जर्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है, इमिट नहीं करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ल्यूमिनियस कब कहेंगे? सेल्फ ल्यूमिनियस कब कहेंगे? जब वो खुद से, है ना, इमिट करता हो लाइट को, या एक सोर्स की तरह काम करता हो, यानी उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सके, है ना। तो ये हो गया आपका सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट।
अब बात करते हैं आगे। देखिए इसमें सन था, इसमें आप नॉन ल्यूमिनियस में एग्जांपल में आप ले सकते हो मून को भी। ठीक है, क्योंकि ये इमिट नहीं करता है लाइट को। इसके साथ साथ आपका हो जाएगा अर्थ भी। तो इसमें आपका मून और ये नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट इमिट नहीं करता है लाइट को, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मीडियम की। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो ध्यान दीजिएगा और लिखते चलिएगा। और जहां पे लगे बोर हो रहे हैं म्यूजिक सुनिए, नहीं तो फिर इसको भगा दीजिएगा आगे। ठीक है, लेकिन पूरा लिखिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाशीय माध्यम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। अब ये क्यों जरूरी है इस पर बात करते हैं। एन एरिया बाय विच लाइट कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये आपको आगे जानना है, जान जाइएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी नॉर्मली पता होगा ना रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपने ही मीडियम में टकरा करके वापस लौट के आना। रिफ्लेक्शन मतलब दो मीडियम में होता है, तो ये नॉर्मली मैंने बता दिया आपको। तो एन एरिया बाय विच लाइट कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई। ठीक है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिससे हो करके लाइट आता है हमारे पास, क्या हो करके, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करके, किसी भी एक वस्तु से कहां तक, हमारी आंखों तक। ठीक है, और उसी क्षेत्र को हम लोग ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर आपका क्या है, आई है। ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां से ऐसे आ रहा है, तो रास्ते में ये जो है ना एरिया, ये पूरा एरिया, यही आपका ऑप्टिकल मीडियम हो गया। अब ऑप्टिकल मीडियम जो होता है वो काम करता है बहुत सारे फेनोमेनन में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में ये इफेक्ट डालता है, स्पेशली रिफ्रैक्शन में डालता है। कैसे डालता है वो हम आगे जानेंगे। तत्काल जानिए कि ऑप्टिकल मीडियम जो होता है वो दो तरह का होता है। लिखते चलिए, ऑप्टिकल मीडियम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका होमोजेनियस, नाम तो सुना होगा केमिस्ट्री में, और एक होता है आपका हेट्रोजेनियस। एक को कहा जाता है होमोजेनियस और एक को कहा जाता है क्या, हेट्रोजीनियस। अब इसके हिंदी में छुपा हुआ है, होमोजीनियस को बोला जाता है समांगी माध्यम। समांगी, समांगी से आपको आइडिया आ जाएगा, और ये उसका उल्टा है तो इसको कहा जाता है असमांगी। हिंदी याद रख लीजिएगा इसका, ना तो आपको डिफिनेशन याद करने में बड़ा आसानी होगी। यार बेसिक है ये सब, डिफिनेशन थोड़ी आता है, जानकारी के लिए दे रहा हूं। तो बात करते हैं होमोजीनियस की, इतना ईजी नहीं आएगा या पता नहीं क्या आ भी सकता है। तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है, समांगी होता है। तो समांगी से क्या आ रहा है, समांगी से समान आ रहा है। ठीक है, समांगी से क्या आ रहा है, समान। ठीक है, तो ए टाइप ऑफ मीडियम ये एक प्रकार है, मीडियम है ना, इन विच प्रॉपर्टी एंड
कंस्ट्रक्शन इज यूनिक एवरीवेयर यानी होमोजेनस किसे कहा जाएगा, एक ऐसा मीडियम जिसका गुण और जो बनावट होता है ना वो हर एक जगह पर एक जैसा होता है, यूनिक होता है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हर एक जगह पर सेम रहता है होमोजेनियस में। एग्जाम्पल अगर इसका लीजिएगा तो जो प्योर वाटर होता है वो आपका हो जाएगा, प्योर वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस ऑप्टिकल मीडियम। और एक और आपका इसमें आ जाएगा ग्लास, है ना, ये भी आप प्योर ही ग्लास लिखिएगा, अरे भाई इम्प्योर हो जाएगा तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो प्योर ग्लास और प्योर वाटर जो होता है, इसकी खासियत क्या है कि हर एक जगह पे इसका गुण और बनावट जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो होमोजेनियस क्लियर हो गया होगा आपका। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, एक और बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, हेट्रोजेनियस ऑप्टिकल मीडियम। तो यहां पर हेडिंग दे दीजिए और लिखिए हेट्रोजेनियस ऑप्टिकल मीडियम। अब देखिए इसमें क्या था आपका, यूनिक था, इसमें यूनिक नहीं रहेगा, तो इसमें लिख सकते हैं ये टाइप ऑफ, अब एक जैसा जब आता है ना तो बोर आदमी होना शुरू हो जाता है, इसलिए सब पढ़ाऊं के आप देख सकते हैं, है ना, नहीं तो मैंने बताया है आपको लिखने वाला काम म्यूजिक की सहायता से, है ना, जहां पे बोर होना शुरू करे उसको थोड़ा भगा दीजिए। तो ए टाइप ऑफ मीडियम इन विच प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूनिक एवरीवेयर, इज नॉट यूनिक एवरीवेयर, हर एक जगह पर इसका यूनिक नहीं रहता है। और जब हर एक जगह पर इसका यूनिक नहीं रहता है तो इसमें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस बोलते हैं। अब इसमें जो होता है वो अगर एग्जांपल हम लें तो आपका आता है एयर, एयर तो पता ही होगा आपको हर एक जगह पर सेम नहीं रहता है, कहीं पर ज्यादा इसका डेंसिटी कहीं पर कम रहता है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और है, इसका मीनिंग देख लीजिएगा आप थोड़ा सा चेक करके, कैलासाइट होता है। अब सी ए होगा कि ये होगा, के से शुरू होगा, ये थोड़ा देख लेना है, तो या तो के एल एस आई टी होगा या तो कैलासाइट ऐसा फिर होगा, कैलासाइट, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक देख लीजिएगा अगर आप सक्षम हैं तो। तो ये हो गया आपका हेट्रोजेनस ऑप्टिकल मीडियम, ऐसा कैसा मीडियम जिसमें प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन जो होता है यूनिक नहीं रहता है, तो उसको हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजेनस किसे कहा जाता है, जिसका प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन हमेशा क्या रहता है आपका, समान रहता है। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब तो ये पता होगा आपको, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा ही बताता हूँ, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है जो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसलूसेंट, और ये आपका हो जाएगा ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या है ना, जिसका 100% पार्ट जो होता है, 100% पार्ट ऑफ लाइट वो क्या कर जाता है आपका, पास कर जाता है ना, पास्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिससे लाइट का 100% भाग पार कर जाए लगभग लगभग, है ना, तो उसको समझ लीजिए कि वो क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट है। और इसमें जो है ट्रांसलूसेंट में, ये आपका 40-80% आप बोल दो ऐसे, 40-80% जो लाइट होगा ऑफ लाइट पार्ट वो क्या करेगा आपका, पास करेगा। जितना ज्यादा पास करेगा उतना आपको साफ साफ दिखेगा, और जितना कम पास करेगा वो उतना कम आपको दिखेगा। और ओपेक्यू की खासियत क्या है कि 100% जो होता है ना
ये क्या करता है आपको, ब्लॉक द लाइट, ये आप लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। माने इसको इसे समझ सकते हैं कि ये मतलब लाइट एक बदमाश आदमी था और वो हर एक जगह पर ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, रंगदारी करते चलता था, ठीक है, और हर एक गांव में जाकर के वो सब लोगों से कहता था कि तुम अपना जमीन मेरे नाम पे कर दो। तो सबसे पहले गया ट्रांसपेरेंट के साथ, तो ट्रांसपेरेंट बहुत सीधा था, वो बेचारा डर के मारे कहा कि लो भाई 100% तुम्हारा हो गया। ट्रांसलूशेंट उतना सीधा नहीं था, तो उसने 40-20% दिया, है ना, लड़ा उसने मतलब, और वो पैक ही उसी के जैसा था। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे चारा आपका नहीं चलेगा, हर एक गांव में ऐसा होता है, देखे होंगे। तो ये आपका हो गया, ऐसे ही मैंने इंटरटेनमेंट के लिए बोला था ये। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट एंड ओपेक्यू, इसको दिमाग में तो होगा ही आपके, ऐसे ही आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शैडो की, शैडो फॉर्मेशन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक डिफ्रेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जो शैडो को अनशैडो कर देता है, यानी ऐसा कैसा है, जहां पर शैडो बन रहा था पहले, वहां पर शैडो नहीं बनने लगता है जब वो वेव के फॉर्म में काम करने लगता है, कौन, लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट मैंने बताया था आपको। लेकिन अगर आप पार्टिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, पार्टिकल थ्योरी पर पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको शैडो फॉर्म होता है, कैसे होता है तो वो मैं बताने वाला हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा हाउ डज शैडो फॉर्म, तो वो आपका आंसर होगा व्हेन, यानी जब, एन मतलब एक, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है ना, एक अपारदर्शी वस्तु पुट रख दिया जाता है इन द वे ऑफ, यानी रास्ते में, किसके रास्ते में, इन द वे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के रास्ते में, देन ए डार्क, इमेज में नहीं लिखता हूं बिकॉज अभी इमेज पढ़ा नहीं है, तो एक डार्क एरिया फॉर्म्ड, एक अंधेरा क्षेत्र तैयार होता है, बनता है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट के पीछे, है ना, नोन एज शैडो, और उसे ही कहा जाता है कि वो उस वस्तु का क्या है, शैडो है, ठीक है। माने कहने का अर्थ यह है कि अगर यहाँ पर ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इमिट कर रहा है, और यहाँ पर आपने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी, तो यहाँ पर एक आपका ब्लैक ब्लैक बन जाएगा, है ना, इधर से ऐसे लाइट पार कर जाएगा, इधर से ऐसे, तो ये वाला जो है वो आपका अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, है ना, तो यही आपका शैडो बनता है। पहले जमाने में जब लोगों को नहीं पता था लाइट से जुड़े हुए फेनोमेनन, तो इसको इविल के फॉर्म में लेते थे, उनको लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ ले लेते थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे इमेज अलग अलग तरीके का बनता था। बाद में जब जो लोगों ने जाना, तो इसको, इस अंधविश्वास को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो शैडो जो है वो आपका फॉर्म कब होता है, जब आप लाइट के रास्ते में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो उसके पीछे एक डार्क आपका एरिया बनता है, और वही डार्क एरिया को हम लोग कहते हैं क्या, शैडो। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। धीरे धीरे देखिए आप मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने पूरा बेसिक से शुरू करा है, अब देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो व्हेन बीम ऑफ लाइट जब प्रकाश पुंज, है ना, व्हेन बीम ऑफ लाइट ए स्ट्राइक्स, माने टक्कर मारता है द ऑब्जेक्ट तो इट पास्ड आउट एब्जॉर्ब्ड
और बाउंसिंग बैक। ठीक है, जब प्रकाश पुंज किसी भी वस्तु से टकराती है, किसी भी वस्तु से टकराती है, मैंने ऐसा बोला है, मैंने ओपेकिव ऑब्जेक्ट नहीं बोला है, तब संभावना क्या रहेगी, या तो उससे गुजर जाएगा या तो कुछ मात्रा में वो ऑब्जर्व करेगा, है ना, जो बाउंसिंग बैक भी करता है ना वो कुछ मात्रा में ऑब्जर्व करता है, या तो वो वापस लौट के आएगा। ठीक है, ये तीनों संभावना है, लेकिन इसको रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन यह नहीं है, तो रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्या है, तो लिखिए यहां पर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन इट्स ऑन मीडियम, अपने ही माध्यम में, देखिए रिफ्लेक्शन अपने ही मीडियम में होता है, यानी हवा में हो रहा है तो हवा में हो रहा है, एयर में हो रहा है तो एयर में हो रहा है, वाटर में हो रहा है तो वाटर में ही हो रहा है। ठीक है ना, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन वो नहीं कहेगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन इट्स ऑन मीडियम आफ्टर स्ट्राइक या आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी जब बीम ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक करता है उस वस्तु पर और बाउंसिंग बैक होता है ना, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन इट्स ऑन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन ओपेकिव ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, ओपेकिव ऑब्जेक्ट्स के बाद ही ना बाउंसिंग बैक होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रांस लूसेंट में भी कुछ मात्रा में आपका बाउंसिंग बैक होता है। ठीक है, तो उतना समझ लेना अपना। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो होता है वही आपका मेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब होता क्या है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक को कहा जाता है रेगुलर और एक को कहा जाता है इरेगुलर। अब समझिए रेगुलर इरेगुलर क्या है। ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एक प्रकार किसका, रिफ्लेक्शन का, इन विच ऑल रेज रिफ्लेक्ट्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर ठीक है ना, ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रेज रिफ्लेक्ट्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रेज रिफ्लेक्ट्स बट नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, वो एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, और जब वो एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो उसे इरेगुलर कहा जाता है। अब इस पे बात आती है कि ये ऐसा होता क्या है, तो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है आपका, रेगुलर जो रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का रिलेशन जो है वो आपका स्मूथ सरफेस से है, स्मूथ मतलब चिकना, और इरेगुलर सरफेस का मतलब जो है वो रिलेशन है आपका रफ सरफेस से। रफ का मतलब होता है रुखड़ा, है ना। अब देखिए स्मूथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस आपको दिख रहा होगा, है ना,
तो इसमें आप जब जूम इन करिएगा करते जाइएगा तो ये एकदम न के बराबर आपको हिल्स एंड वैलीज नहीं मिलेंगे, और जैसे ही आप रफ सरफेस को अगर आप जूम करिएगा तो वो इस तरीके का सरफेस बनाता है। तो यहाँ पे ये भले ही एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे हर एक जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग हो जाएगा, तो हर एक जगह पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो रूल है वो फॉलो इरेगुलरली करता है, इसलिए इस तरह का जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें इंसिडेंट रे बार बार अलग अलग हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी अलग अलग हो रहा है, और इसमें क्या है कि ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, एक खास तरह का रूल इसमें फॉलो करता है, इसलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, तो रेगुलर करता है स्मूथ सरफेस पे, और इरेगुलर किस पे करता है आपका रफ पे। ठीक है,